बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन को देख चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आ रहे हैं और उनकी जो फॉर्मुलेशन है वो किस तरह से होती है। हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा 1.2.1 और जो हमारा लेक्चर है वो जो आज हमने डिस्कस करना है वो है अबाउट इनपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले तो इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन को हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर से रिकॉल कर लेते हैं। ऐसे डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। अब नंबर ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर वर्किंग, ठीक है, तो उनमें जो इनपुट डिवाइसेस मेनली हमारे पास आते हैं वो है हमारे पास कीबोर्ड्स, ठीक है, और पॉइंटिंग डिवाइसेस और सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम कीबोर्ड को देख लेते हैं कि कीबोर्ड का जो वर्ड है ये क्या है और कीबोर्ड की क्लासिफिकेशन किस तरह से है, कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी कीज यूज होती हैं और इसका पर्पस क्या है। कीबोर्ड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कीबोर्ड में लुक लाइक ए टाइपराइटर की पैड टू विच some special key have been added कीबोर्ड जो है ये बेसिकली एक टाइपराइटर की तरह से ही काम करता है। जिस तरह से हमारे पास एक टाइपराइटर कीपैड होता है उसके ऊपर डिफरेंट कीज अवेलेबल होती है और उन कीज को हम डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट कीज अवेलेबल होती हैं जिनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट कीज हैं वो मैं मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले जो कीज हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शन कीज। सेकेंड जो टाइप है कीज की वो है मेन कीबोर्ड कीज। और जो कुछ कीज हैं उनको हम नाम देते हैं एज न्यूमेरिक कीबोर्ड। एंड लास्ट कीज आर कर्सर कंट्रोल कीज। सो मेनली कीबोर्ड के अंदर सेट ऑफ बटन्स मौजूद होते हैं जिनको हम की का नाम देते हैं और उससे हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उन तमाम की तमाम कीज को हम डिवाइड कर देते हैं मेजरली इन फोर टाइप्स में। नंबर वन है हमारे पास फंक्शन कीज, नंबर टू है हमारे पास मेन कीबोर्ड कीज, नंबर थ्री है हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड और फोर्थ वन है कर्सर कंट्रोल कीज। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि ये कीज हमारे पास कौन कौन सी हैं। जैसे फंक्शन कीज, हमारे पास फंक्शन कीज जो है उनकी डेफिनेशन जो आपके बुक में गिवन है वो है कि दीज कीज आर एन ईजी वेज टू गिव सर्टेन कमांड्स टू कंप्यूटर। द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वी यूज डिफाइन व्हाट ईच फंक्शन की डज। हमारा जो फंक्शन कीज है, फंक्शन कीज में हमारे पास नंबर ऑफ कीज अवेलेबल है जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आपके कीपैड के ऊपर जो आपका कीपैड है उसके ऊपर F1 से स्टार्ट होकर टिल देन F10 तक इस रो में जितनी भी कीज आ रही होती हैं जो कि टॉप पे गिवन है उनको हम फंक्शनल कीज का नाम देते हैं। सेकेंड जो टाइप है कीबोर्ड के ऊपर वो है मेन कीबोर्ड। इसके अंदर हमारे पास कुछ फेमिलियर कीपैड की कीज गिवन है, जिस तरह से हमारे पास एस्केप कीज है,
टैब की है, थर्ड है कैप्स लॉक, फोर्थ पे शिफ्ट की है, फिफ्थ पे कंट्रोल की है, सिक्स पे आल्टर या ऑल्ट इसको बोलते हैं हम, देन हमारे पास बैक स्पेस की है और लास्ट पे हमारे पास एंटर की है। ये तमाम की तमाम कीज डिफरेंट फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड करने के लिए यूज होती है। जैसे हमारे पास एस्केप की है, जब भी हमें किसी एक पेज से एस्केप करना होता है या कंप्यूटर को किसी एक टास्क से हमने किसी दूसरे टास्क में शिफ्ट करना होता है तो हम एस्केप की को प्रेस करते हैं। इसी तरह से टैब की है, ये मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग स्पेस देने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं। कैप्स लॉक की है, जब भी हम अपने जो लेटर्स हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर टाइप कर रहे होते हैं उनको हमने कैपिटलाइज करना होता है तब हम कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं। देन हमारे पास शिफ्ट की है, शिफ्ट की बहुत ज्यादा यूजफुल है इस सेंस में कि जब भी हमने कोई कमांड देनी होती है कंप्यूटर को तो हम डिफरेंट कमांड्स में शिफ्ट की का यूज करते हैं। कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, ये तीनों की तीनों कीज मेनली कंट्रोल कीज में आती हैं। इनके थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर को जो है वो प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स। देन हमारे पास बैक स्पेस कीज हैं, इसके थ्रू हम लोग बेसिकली अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो वर्ड्स लिखे होते हैं अगर हमने उनको डिलीट करना है या हम लोगों ने पोजिशन को चेंज करना है तो हम बैक स्पेस की को यूज करते हैं। इसी तरह से हमारे पास एंटर की है, तो एंटर की बेसिकली जब भी हमने कोई फंक्शन या कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे दी है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर की को प्रेस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो न्यूमेरिक कीज आ जाती हैं। न्यूमेरिक कीज देख लेते हैं कि क्या चीज है। न्यूमेरिक कीज भी सिमिलर लाइक जिस तरह से हमने देखा है मेन कीबोर्ड कीज ही वर्क करती हैं, लेकिन इसका उनसे डिफरेंस इस सेंस में है, देख लेते हैं डेफिनेशन में। न्यूमेरिक कीज सर्व वन ऑफ द टू पर्पसेस, depending on num log key, बेसिकली जब भी हम लोगों ने कोई न्यूमेरिक टाइप फंक्शन परफॉर्म करना है कंप्यूटर के अंदर तो हमें जरूरत पड़ती है न्यूमेरिक कीज की। न्यूमेरिक कीज सर्व वन ऑफ द टू पर्पसेस डिपेंडिंग ऑन नम लॉक की। जब भी हमने नम लॉक की कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन परफॉर्म करना है उसके ऊपर हमने कोई की प्रोवाइड करनी है या कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है कंप्यूटर को तो हमारे पास न्यूमेरिक कीज यूज होती है। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल टू मल्टीप्लाई थ्री ये फंक्शन हमने अपने कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म करवाना है तो बेसिकली जो इसके दरमियान ये मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज हो रहा है इसको हम नम लॉक की कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास डिवाइड, इसी तरह से हमारे पास एड सब्ट्रैक्ट, ये चार वो कीज हैं, ये कुछ मतलब नम लॉक कीज हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर न्यूमेरिक टाइप फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो एंड की है, एक हमारे कीबोर्ड के ऊपर वर्ड गिवन होता है एंड की का, उसका क्या फंक्शन है और
अप और पेज डाउन का जो ऑप्शन है, अगर हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या कोई भी हमारे पास अगर हमारा डॉक्यूमेंटेशन का टूल हम यूज करते हैं, तो हमें समटाइम पेज के ऊपर मूवमेंट करना पड़ती है. लाइक हमें फर्स्ट पेज से एंड वाले पेज पे शिफ्ट करना है, या एंड वाले पेज से फर्स्ट पेज पे शिफ्ट करना है, या हमें वन बाय वन नेक्स्ट पेजेस पे मूव करना है. तो हमें कुछ कीज की जरूरत पड़ती है जिनको हम बोलते हैं कर्सर कीज. इसके अंदर कर्सर कीज आ जाएंगे हमारे पास जैसे एंड की, ये जो एरो हेड नीचे को मूव कर रहा है इसको हम कहते हैं कर्सर डाउन. ये कर्सर डाउन की की है. देन हमारे पास कर्सर अप की है, इसको कर्सर डाउन बोलते हैं. एंड इसको कर्सर अप बोलते हैं. इसी तरह से देन हमारे पास ये की आ जाती है टुवर्ड्स लेफ्ट, इसको हम बोलते हैं कर्सर फॉर लेफ्ट. ठीक है, लेफ्ट पे जब भी हमने अपने पेज को मूव करना है तो हम इसकी को यूज करेंगे. देन हमारे पास राइट की है जिसको हम बोलते हैं कर्सर फॉर राइट. इसी तरह से हमारे पास इंसर्ट की गिवन है. जब भी हमें इसको हम हमारे आपको जो कीबोर्ड है उसके ऊपर INS से शो किया जाता है, और इसका जो फंक्शन है वो बेसिकली जब भी हमें एग्जिस्टिंग करेक्टर्स को रिप्लेस करना हो, या आप कह लें कि हमें एग्जिस्टिंग करेक्टर्स को ओवरराइड करना हो, तो हम इस की का यूज करते हैं. लास्ट की जो हमारे पास है वो है डिलीट की. ये की बेसिकली जब भी कोई हमने करेक्टर या स्पेस या हमने कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट डिलीट करना हो तो हम डिलीट की यूज करते हैं. ठीक है जी, एक बार मैं इस सारे को वाइंड अप करूंगी. हमने मेनली कीबोर्ड का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था. कीबोर्ड के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास कुछ कीज आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिक कीज है, कंट्रोल कीज है, और हमारे पास जो है वो मेन कीबोर्ड कीज है और फंक्शन कीज है. फंक्शन कीज में मैंने बताया आपको कि कीबोर्ड के ऊपर जो सबसे ऊपर लाइन में F1, F2, F3 इस तरह के वर्ड्स के साथ जो गिवन है कीज, उनको हम फंक्शन कीज बोलते हैं, और उनका पर्पस ये है कि वो कंप्यूटर को कुछ स्पेशल कमांड्स देने के लिए यूज होती हैं. ठीक है, देन हमारे पास मेन कीबोर्ड कीज आ गई थी. मेन कीबोर्ड कीज में हमारे पास एस्केप की टैब, ठीक है, कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, इस तरह की जितनी भी कीज हैं उन सबको हम लोग मेन कीबोर्ड कीज का नाम देते हैं. देन हमने देखा जो है वो कर्सर कंट्रोल कीज. बेसिकली जब भी हमें अपने कंप्यूटर में कर्सर, बेसिकली उस पॉइंटर को बोलते हैं जो आपके कंप्यूटर के ऊपर ब्लिंक कर रहा होता है, और आपने जब भी कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है या आपने कोई भी कंप्यूटर को कोई कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो आप उस कर्सर की मदद से ही कम्युनिकेट करते हैं. तो उस कर्सर की कंट्रोल की कीज हमारे पास कुछ गिवन है, जिसमें हमारे पास एंड की है, कर्सर डाउन टूवर्ड्स, ये जो एरो हेड नीचे की तरफ शो होता है इसको हम कर्सर डाउन यानी कि हमने नीचे की तरफ मूव करना है, आइदर इन डॉक्यूमेंटेशन और इन एनी अदर टास्क जिसमें हम अपने कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. देन कर्सर आपकी की है, फिर इसी तरह से कर्सर लेफ्ट है, कर्सर राइट है, इंसर्ट की है कि आपने कोई भी एग्जिस्टिंग करेक्टर या सिलेक्टेड टेक्स्ट अगर हमने रिप्लेस करना है विद अनदर वर्ड तो हम सिंपल इंसर्ट की जो की है इसको प्रेस करते हैं तो हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो जाता है विद एन अदर वर्ड. इस तरह से लास्ट की जो हमने डिस्कस की है वो डिलीट की है. जब भी हमने कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट या हमने कोई भी जो कोई भी चीज हमने डिलीट करनी, लाइक स्पेस है, करेक्टर है, ठीक है, तो इन चीजों के लिए हम लोग अपनी डिलीट की यूज करते हैं. इसी तरह से प्रिंट की है हमारे पास,
जब हमने पेजेस को इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी लेना होता है तो हम लोग प्रिंट की कमांड यूज करते हैं. ठीक है, ये एक स्पेशल की है जो आपके कीबोर्ड के ऊपर गिवन है. इससे आप लोग बेसिकली जब भी किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर पे प्रिंट की कमांड को प्रेस करते हैं तो आप इन द फॉर्म ऑफ एक मैसेज रिसीव करते हैं ऑन कंप्यूटर स्क्रीन जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपने कितनी कॉपीज लेनी है हार्ड फॉर्म में और किस तरह से आपने अपनी सॉफ्ट कॉपी को शिफ्ट करना है. तो इससे आप हार्ड कॉपी को रिसीव कर लेते हैं. तो ये प्रिंट की हमारे कीबोर्ड पे गिवन है. देन हमारे पास इस तरह से स्क्रोल लॉक पॉज की कीज गिवन है. ठीक है जी, आज का टॉपिक यहाँ तक ही है. आज हमने मेनली कीबोर्ड को डिस्कस किया है जो कि एक इनपुट डिवाइस है.